न्यू प्लेटफॉर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्यों नहीं लगता है पढ़ाई में मन, कैसे लगेगा पढ़ाई में मन, कैसे हो एग्जाम में सफल। तो सबसे पहले प्रश्न पर मैं चर्चा करूँगा, यह जानने चलते हैं कि क्यों नहीं लगता है पढ़ाई में मन। आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता दूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन, दूसरी इंटरनेट और सोशल मीडिया, तो आपको पता ही है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। तो इन सब चीज़ों में लगा हुआ है मन, तो कैसे लगेगा पढ़ाई में। अगर पढ़ाई में मन लगाना है इनसे थोड़ी दूरियां बनानी पड़ेगी। आई मीन जब पढ़ने के लिए बैठे तो स्मार्टफोन को काफ़ी दूर रखें, इतनी दूर रखें कि पढ़ते वक्त आप डिस्टर्ब ना, अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो डिस्टर्ब होते चले जाएंगे, फिर कभी पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन पहले से स्मार्टफोन के पीछे लगा हुआ है, इंटरनेट के पीछे लगा हुआ है, व्हाट्सएप के पीछे लगा हुआ है, फेसबुक के पीछे लगा हुआ है। अगर इन चीज़ों से आप दूरियां बना लेते हैं, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि पढ़ाई में मन लगेगा। अगला टॉपिक मैं बात करूँगा कि एग्ज़ाम में सफल कैसे होना है। एग्ज़ाम में सफल होने के लिए आपको जानना पड़ेगा उसका सिलेबस, और उसकी सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ और है, आप पढ़ कुछ और रहे हैं, तो कभी सफल नहीं होंगे। दूसरी बात कि आपको एक बात बनाना पड़ेगा, आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी कि मैं जो पढ़ूंगा उसे लगातार पढ़ता रहूँगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तीन चार रोज जो उसमें आए पढ़े फिर पढ़ाई छोड़ दिए, तो ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तब तो आप कभी सफल नहीं हो पाए। सफल होने के लिए आपको कंटिन्यू, अगर आप दो घंटे पढ़ते हैं तो दो घंटे डेली पढ़िए, और उसके बाद जो आपकी कमजोरी है उसको दूर करने का कोशिश करें। जो आपका टॉपिक मजबूत है उसको बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, जो कमज़ोर है उसको मजबूत करने की कोशिश करें, आप एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफल होंगे, यह मेरी कामना है। और जो भी ALP टेक्नीशियन CBT 2 ग्रुप के जो भी सेलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट होने वाले हैं CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, मेरा चैनल उन्हें लगभग सभी विषयों की तैयारी कराएँ।